हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे मंथली फेवरेट प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जिन्हें मैंने लास्ट मंथ सबसे ज्यादा यूज किए हैं या फिर वो प्रोडक्ट जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए हैं। इनमें मेकअप है, हेयर केयर है, बॉडी केयर है, स्किन केयर है, मतलब मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से हैं ये प्रोडक्ट, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों की दिवाली कैसी गई कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अगर मैं मेरी दिवाली की बात करूँ, मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई है। हाँ, सिर्फ फर्क इतना रहा है कि इस बार हमने कोई भी पटाखे नहीं जलाए हैं, बाकी दिवाली बहुत अच्छी गई है। आप लोगों की दिवाली कैसी गई कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि मौसम चेंज हो गया है तो प्रोडक्ट भी काफी हद तक चेंज हो गए हैं। चाहे आपका हेयर केयर हो, आपका बॉडी केयर हो या फिर आपका फेस केयर हो, हमें काफी हाइड्रेटिंग या मॉइस्चराइजिंग वाले प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने लगी है। तो इस मंथ भी मैंने काफी सारे प्रोडक्ट चेंज किए हैं, तो एक एक करके मैं सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहला प्रोडक्ट है मदर इस पर से, और ये है इनका प्लांट पावर्ड अल्ट्रा रिच फेस क्रीम, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। इसका प्राइस है 375 रुपीज। ये मेरी सेकेंड ट्यूब है। एक ट्यूब मैं लास्ट विंटर में यूज कर रही थी तो मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि मेरी स्किन के लिए इसने काफी अच्छा वर्क किया था। लाइट वेट है और अच्छे से हाइड्रेट करती है, मतलब स्टार्टिंग की जो विंटर होती है और लास्ट की जो विंटर होती है उसके लिए ये इनफ है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने इसे बहुत यूज किया है, ये भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप इस क्रीम को इजीली यूज कर सकती हैं। मतलब अभी ठंड थोड़ी सी कम है, मतलब एक्सट्रीम लेवल वाली नहीं है, तो उस टाइम के लिए ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा है अगर आप ट्राई करना चाहें तो। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर मैंने यूज किया है ऑलवेज ब्रांड का, और ये है इनका हाइड्रेट मॉइस्चराइजर, जो कि है ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है नाइसिनामाइड, विटामिन बी और विटामिन ई, जो कि आपकी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसका प्राइस है 500 रुपीज, और इसमें आपको 50 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। मोस्टली मैं इसे नाइट टाइम के लिए यूज करती हूँ, क्योंकि ये स्किन को काफी अच्छे से हाइड्रेट करती है, और नाइट में आपकी स्किन को ज़्यादा टाइम मिलता है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, खुद को रिपेयर करने के लिए, इसलिए वो परफेक्ट है। और साथ ही साथ इसमें कॉफ़ी ऑयल है तो उसकी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती रहती है। अगर आपको कॉफ़ी की स्मेल पसंद है तो आपको ये क्रीम पसंद आएगी। नेक्स्ट सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम ब्रांड से है, ऑलवेज प्रोटेक्ट सनस्क्रीन SPF 50 PA++ के साथ आती है, और साथ ही साथ विटामिन B5 भी है। इसका जो प्राइस है वो है 500 रुपीज, और इसमें आपको 50 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इस सनस्क्रीन की सबसे अच्छी बात ये है, ना तो ये पाउडर फिनिश में है और ना ही ये जो मोस्टली जितनी भी सनस्क्रीन आती हैं सभी थोड़ी सी स्टिकी होती हैं, वाइट कास्ट छोड़ती हैं। बट इस सनस्क्रीन के साथ आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ना तो ये स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ती है और ना ही आपकी स्किन पे स्टिकी फील होती है। तो आप इसे मेकअप के पहले भी यूज कर सकते हैं, और जैसे आप सनस्क्रीन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए तो परफेक्ट है। फिलहाल मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई किया और मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो गया बस। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वैसलीन से, और ये है वैसलीन का कोको ग्लो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाती है। इसका प्राइस है 160 रुपीज, जिसमें आपको 150 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अगर मैं इस मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बात करूं तो ये विंटर के लिए परफेक्ट है। समर के लिए मुझे ये थोड़ी सी हैवी लगती है, क्योंकि मेरी स्किन कभी ऑयली होती है कभी नॉर्मल हो जाती है। बट विंटर में मेरी स्किन काफ़ी ड्राई रहती है, या मैं ये कह सकती हूँ कि कॉम्बिनेशन रहती है, तो उस टाइम पे मुझे एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, तो ये परफेक्ट है। एक डाउनसाइड है कि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। बट सेम टाइम पे प्लस पॉइंट ये भी है कि स्मेल जो है वो थोड़ी देर के बाद फेड भी हो जाती है। अगर आपने वैसलीन का कोको ग्लो
बॉडी लोशन यूज किया है तो आपको पता ही होगा कि दोनों की जो स्मेल है वो एग्जैक्ट सेम है, बट डिफरेंस ये है कि इसकी स्मेल फेड हो जाती है और बॉडी लोशन की स्मेल जो है वो फेड नहीं होती है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है और बहुत ज़्यादा हैवी या ऑयली या चिपचिपी नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है अ फेस वॉश। पहला फेस वॉश है ऑलवेज ब्रांड से और ये है इनका नीम एलोवेरा और कॉफी ऑयल फेस वॉश, जिसका प्राइस है 400 रुपीज और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। सेकेंड फेस वॉश है मेरा प्लम से और ये है इनका ग्रीन टी पोर क्लींजिंग फेस वॉश और इसका जो प्राइस है वो आई गेस 375 रुपीज या समथिंग करके कुछ है, बट इसकी इनर पैकेजिंग पे मेंशन नहीं है, जो भी डिटेल्स होती हैं वो इनर पैकेजिंग पे मेंशन होती हैं। और तीसरा जो फेस वॉश है वो है द फेस शॉप का राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लींजर। मैं यही तीन फेस वॉश आजकल रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, मतलब कभी कोई यूज़ कर लिया कभी कोई यूज़ कर लिया। ये दो फेस वॉश की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉन ड्राइंग है, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करते हैं, जो कि विंटर के लिए परफेक्ट है। बट जहाँ तक रही बात द फेस शॉप के राइस वाटर ब्राइट फोमिंग क्लींजर की, वो थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई आउट करता है। अभी फिलहाल मैं उसे यूज़ कर रही थी बट मैं अभी उसे यूज़ करना बंद कर दूंगी तो वापस से वो स्टोर में चला जाएगा कि जब गर्मियाँ आएंगी तब वो निकलेगा। बट ये दोनों ही फेस वॉश बहुत अच्छे हैं, फिलहाल मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट है मेकअप रिमूवर। आपको पता ही होगा कि वॉ स्किन साइंस का जो मेरा मेकअप रिमूवर था माइसला वाटर वो फिनिश हो चुका है, तो अभी फिलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये है प्रेने कॉस्मेटिक का नरिशिंग क्लिनजिंग ऑयल, जिसका प्राइस है आई गेस इसका प्राइस जो है वो पैकेजिंग पे मेंशन है, हाँ फिलहाल इसका प्राइस जो है वो हाँ इसका प्राइस है 1150 रुपीज, जिसमें आपको 45 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। वाटरप्रूफ मेकअप के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप अप्लाई किया है और आप बिना मशक्कत के चाहती हैं कि आपका मेकअप जो है वो फटाफट से रिमूव हो जाए, मेल्ट डाउन हो जाए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। बट मैं इसे तभी यूज़ करती हूँ जब मैं कोई वाटरप्रूफ मेकअप अप्लाई करती हूँ, चाहे वो आईलाइनर हो या फिर मस्कारा। अगर मैंने आईलाइनर मस्कारा यूज़ नहीं किया है तब मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। अब आप सोचेंगे मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैंने उसके लिए एक माइसला वाटर बाय किया है जो कि है सिंपल ब्रांड से, मैंने हॉल में शेयर किया था, अगर आपने वो हॉल नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो मतलब वाटरप्रूफ मेकअप को उतने अच्छे से रिमूव नहीं करता है जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, बट ओवरऑल मेकअप के लिए वो काफ़ी अच्छा है अगर आप ट्राई करना चाहें तो। नेक्स्ट है एक सीरम जो कि है डर्माको ब्रांड से और ये है इनका 10% नाइसिनामाइड सीरम फॉर एक्ने मार्क्स। इसका जो प्राइस है वो है 249 रुपीज, जिसमें आपको 10 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। मेरा ये सीरम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, मतलब एक तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो दिखता भी नहीं है, तो इसे ओपन करके इसमें झांकना पड़ता है कि प्रोडक्ट जो है वो कितना रह गया है। बट मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ बॉटम में थोड़ा सा रह गया, बाकी पूरा प्रोडक्ट जो है वो मैंने फिनिश कर दिया। मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तो मैंने ये नहीं ध्यान दिया था कि इसमें क्वांटिटी मैं कितना ले रही हूँ, मतलब इसका एक 30 ml का भी आता है और एक 10 ml का आता है। बट अच्छा हुआ कि मैंने 10 ml बाय किया, एटलीस्ट मुझे पता चल गया कि ये सीरम कैसा है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, एक्ने के मार्क्स हैं या ब्लैक स्पॉट हैं, ब्राउन स्पॉट हैं, इस सीरम को ट्राई ज़रूर करिएगा। 249 का है, आप इसका 10 ml बाई करिए। मैंने इसे डे एंड नाइट दोनों में यूज़ किया है और सच कहूँ तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मेरी स्किन ऑयली नॉर्मल आप समझ सकते हो, मेरे हस्बैंड की स्किन ड्राई है, दोनों ने इसे ट्राई किया है, दोनों के लिए ये सीरम बहुत अच्छा है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे अपने किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ पेयर कर सकते हो, जैसे आपकी नाइट क्रीम है, आपकी डे क्रीम है, आपका मॉइस्चराइजर है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो एक सीरम मैंने और भी यूज़ किया है जो कि है ये प्रेने ब्रांड से, तो ये है इनका इटर्नल ग्लो नेक्टर ड्राई ऑयल सीरम। इसका जो प्राइस वो मुझे याद नहीं है बट आई गेस 249 रुपीज़ के आसपास है और इसमें आपको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है वो है 5 ml की। बहुत ही अच्छा सीरम है। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए या पसंद है तो आप इस सीरम को ट्राई कर सकती हैं। जहाँ तक रही बात ये
स्किन के पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स या पिंपल के मार्क्स को रिमूव करने का। उसके लिए मेरे हिसाब से ये सीरम कुछ भी नहीं करता है, बट हाँ स्किन को ग्लोई बनाने के लिए ये सीरम बहुत अच्छा है। मतलब जब आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी ग्लोई, मतलब शाइनी नहीं, काफ़ी ग्लोई हो जाती है, हाइड्रेटेड लगती है और साथ ही साथ मॉइस्चराइज तो करता ही है। बहुत अच्छा सीरम है इन केस अगर आप ट्राई करना चाहें तो। वैसे जहां तक रही बात फेस पैक की, इस मंथ मतलब लास्ट मंथ मैंने बहुत कम फेस पैक यूज किया है। पहला रीजन ये है कि मैं थोड़ा सा बिजी भी थी, दूसरा रीजन ये है कि फेस पैक अप्लाई करने में मुझे थोड़ा सा आलस आता है, इसलिए मैंने बहुत कम फेस पैक यूज किए हैं। मैंने फेस पैक की जगह पे सीट मास्क यूज किए हैं, क्योंकि उन्हें आपको वॉश नहीं करना होता है, आपने एक बार अप्लाई कर लिया तो बस छुट्टी है। क्योंकि सर्दियां आते ही हम काफ़ी आलसी हो जाते हैं और पानी से थोड़ी सी दुश्मनी हो जाती है, यही रीज़न है। बट वायम आयुर्वेदा का ये लिक्विडाइज डार्क स्पॉट रिडक्शन फेस पैक मैंने ट्राई किया है। इसका जो प्राइस है वो है 180 रुपीज़। इसके पीछे रीज़न एक है, मेरे फेस पे यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे पिंपल्स निकल आए थे। मतलब आई डोंट नो रीज़न क्या था, मुझे पता ही नहीं है, बट बहुत सारे पिंपल्स निकल आए और पिंपल्स के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो उन्हें रिमूव करने के लिए, उन्हें फिर से सही करने के लिए अपनी स्किन को मैंने इस फेस पैक को यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा काम करता है। मैंने इसका रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ, मैंने उसमें भी ये पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे ये फेस पैक काफ़ी पसंद आया। आई नो कि इसके मिक्स रिव्यू आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई इसके बारे में अच्छा बोलेगा, कोई इसके बारे में निगेटिव पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करेगा, बट मैं इस वीडियो में अपना पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है तो मैं शेयर कर सकती हूँ। नेक्स्ट है कुछ हेयर क्रीम जो कि हैं हिमालया से। तो मैंने इनके तीनों हेयर क्रीम ट्राई किए हैं, क्योंकि मैंने इन्हें काफ़ी टाइम पहले बाय किया था, तो मैंने इन्हें एक एक करके ट्राई किया है। मतलब 15 दिन के लिए एक, 15 दिन के लिए एक, 15 दिन के लिए तीसरा। तो इनके बारे में मेरे रिव्यू जो हैं वो काफ़ी मिक्स हैं, बट इनके रिव्यू जो हैं वो मैं एक अलग से वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सर्दियां आते ही हमारी स्किन के साथ साथ हमारे हेयर को भी हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल मैंने हेयर केयर में इन्हें इम्प्रूव किया है, शैम्पू मेरा रेगुलर वही है और कंडीशनर मैंने ऐड ऑन कर दिया है, क्योंकि अब आपको कंडीशनर की भी ज़रूरत पड़ने लगी है, फिलहाल मुझे भी पड़ने लगी है। तो उसके लिए मैंने अभी फ़िलहाल पैंटीन का कंडीशनर यूज़ करना स्टार्ट किया है और मुझे वो काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं उसे पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। नेक्स्ट बारी आती है लिप प्रोडक्ट की। तो मेरे पास हैं दो लिप बाम, पहला है वादी हर्बल का लिप बाम, दूसरा है एक लिप बटर और ये है हिमालया का लिप बटर। पहले लिप बाम की बात कर लेते हैं। लिप बाम आपके लिप्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करके रखता है, तो काफ़ी अच्छा है। बट अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई और चैप्ड हैं तो उसके लिए ये लिप बटर परफेक्ट है। ये टिंटेड है बट ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया गया है। फिलहाल मुझे ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। इसे मोस्टली मतलब वादी हर्बल को मैं मोस्टली डे टाइम में यूज़ करती हूँ, जिससे कि लिप्स थोड़े से टिंटेड भी रहें, और लिप बटर को मैं नाइट में यूज़ करती हूँ, जिससे कि लिप्स सॉफ्ट रहें, मॉइस्चराइज रहें और थोड़े से प्लम्पी भी हो जाएं। लास्ट बॉडी केयर या स्किन केयर प्रोडक्ट है बॉडी लोशन। इसकी ज़रूरत तो हमें स्टार्ट हो ही गई है, फिलहाल हम इसे हर सीज़न में यूज़ करते हैं, बट मैं मोस्टली बहुत कम यूज़ करती हूँ और इसे मैंने रिसेंटली परचेज किया था अमेज़ॉन से, तो मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया है, मुझे बहुत पसंद है। इसका प्राइस है 290 रुपीज़, जिसमें आपको प्रोडक्ट क्वांटिटी जो मिलती है वो है 400 ml की। बहुत अच्छा बॉडी लोशन है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करके रखता है। इसमें जो मुझे थोड़ा सा डाउन साइड लगा है वो है इसकी स्मेल। मुझे इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब लगती है, जैसे बोरो प्लस की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है, हम सभी ने उसे कभी ना कभी यूज जरूर किया है, मुझे उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसी से मिलती जुलती इसमें स्मेल है, बट एग्जैक्ट सेम नहीं है, बट कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद फेड हो जाती है। बट ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करती है, ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद है। तो फिलहाल हेयर केयर, स्किन केयर मैंने सब कुछ शेयर कर दिया। बारी आती है मेकअप की।
जहाँ तक रही बात मेकअप की, मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। मेकअप में मेरा बहुत सिंपल है, अगर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज कॉम्पैक्ट यूज़ करो बस, उससे मेरा काम हो जाता है। बट फिर भी मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला है कलर आईलाइनर जो कि है NYWAVE ब्रांड से, इसमें से ब्लू मैंने अभी अप्लाई किया है। अगर आप मेकअप के फैन हैं तो आपके पास ये आईलाइनर जरूर होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये आपका टाइम बहुत बचाते हैं, क्योंकि इन्हें अप्लाई करने के बाद आपको फुल आई मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। सेकंड मुझे पसंद आया है ब्लू हेवन का ये लेस ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, वाटर प्रूफ है। मतलब ब्लू हेवन का मस्कारा वाटर प्रूफ, मतलब कितना भी आप इसमें पानी डाल लो ये मेल्ट नहीं होने वाला है। और प्राइस सिर्फ 125 रुपीज। जो डाउन साइड है वो ये है कि इसे ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपने मस्कारा अप्लाई किया तो आप 1-1.5 मिनट के लिए अगर अपनी आईज को टच ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, जितना कम ब्लिंक करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी मस्कारा बहुत अच्छा है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा मस्कारा, इतना अच्छा है। अब बारी आती है लास्ट प्रोडक्ट की, तो लास्ट प्रोडक्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ लिपस्टिक। जहां तक रही बात लिपस्टिक की, तो इस लास्ट मंथ मैंने काफ़ी सारी नई लिपस्टिक ट्राई की है, बट उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो है वेट एंड वाइल्ड की लिक्विड कैट सूट लिपस्टिक, और इसमें जो मेरा शेड है वो है गिव मी मोका आई गेस। हाँ, गिव मी मोका। अगर मैं इस शेड की बात करूँ, पहली बात तो इसका जो कलर पे ऑफ है वो थोड़ा सा शीयर है, तो इसीलिए आपको इसके दो कोट अप्लाई करने होंगे। बट आई डोंट नो मेरी लिपस्टिक के साथ ऐसा है या सारी लिपस्टिक के साथ, बट लिपस्टिक बहुत अच्छी है। मतलब आप इसे विदाउट मेकअप वियर करो, विद मेकअप वियर करो, बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने इसे विदाउट मेकअप भी वियर किया है, विद मेकअप भी। पिक्चर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। फिलहाल मुझे बहुत पसंद आई। इसका जो प्राइस है वो आई गेस 400+ है, बट इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, तो जो भी इसका प्राइस होगा आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट लिपस्टिक है मेबलिन की लिप क्रियॉन, और ये है इनकी सुपर स्टे इंक लिप क्रियॉन। इसमें जो मेरा शेड है वो है 55 मेक इट हैपन। इसका भी प्राइस मुझे याद नहीं है, आई गेस 500 समथिंग कुछ करके है, बट एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है। ये लिपस्टिक, ये शेड मैंने वियर किया था दिवाली के दिन, जिसकी पिक्चर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। बहुत ही अच्छा शेड है, कैमरे पे आपको थोड़ा सा लाइट लग रहा है, क्योंकि मुझे भी कैमरे पे ये लाइट दिख रहा है, बट रियल में ये काफ़ी डार्क है। और लिप क्रियॉन होने के बावजूद ये कम्प्लीटली मैट है, मतलब आपने इसे अप्लाई किया उसके बाद ये आपके लिप्स से कहीं भी नहीं जाने वाली है। फिलहाल दोनों ही लिपस्टिक कम्प्लीटली मैट हैं, इसलिए आपको ये एक बात का ध्यान रखना है कि लिपस्टिक अप्लीकेशन से पहले अपने लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट और हाइड्रेट जरूर कर लें, अदरवाइज वो आपके लिप्स जो हैं वो थोड़े से फ्लीकी, थोड़े से चैप्ड दिख सकते हैं, क्योंकि विंटर है और कम्प्लीटली मैट लिपस्टिक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये थे मेरे सारे मंथली फेवरेट प्रोडक्ट। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट इतने सारे थे और सभी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें मैंने अभी न्यू यूज़ करना स्टार्ट किया है 1 वीक से, उन्हें मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 1 वीक में आप उनके बारे में अपना फाइनल डिसीजन नहीं शेयर कर सकते हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट मंथ के, मतलब इस मंथ के मंथली फेवरेट में शेयर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।